बिनोवा जी चंबल घाटी पहुंचे और वहां जो कुछ भी घटा और जिस प्रकार डाकुओं ने अपना आत्मसमर्पण किया, ये एक चमत्कार था। बिनोवा जी स्वयं कहा करते थे कि उनके जीवन में 3 बार इस प्रकार के चमत्कार हुए हैं। एक बार तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में श्री रामचंद्र रेड्डी द्वारा 100 एकड़ जमीन का दान, दूसरी बार बिहार में और तीसरी बार चंबल की घाटियों में आत्मसमर्पण। इन सब के बावजूद भी बिनोवा जी एक कर्मयोगी रहे और भाषा शास्त्री होने के नाते वे कभी कभी लोगों को चुटकियों में हंसा देते थे। वे बहुत कम अन्न ग्रहण करते थे और डॉक्टरों के इस बात पर आश्चर्य किए जाने पर ये कहा कि मैं भरपूर आकाश खाता हूँ। महाराष्ट्र के कोलाबा अंचल के गगोदे गांव से निकले हुए बड़ौदा, वाराणसी तथा गांधी जी के आश्रम तक की सारी उनकी यात्रा आप देख चुके हैं। अब आप देखेंगे कि किस प्रकार बिनोवा जी के जीवन में धर्म, ध्यान, ज्ञान तथा कर्म एवं भक्ति का संगम बना। नमः समस्त भूतानां आदिभूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत् प्रभुः भूतकृद् भूतवृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः। सुनेरी मने निरबल के बलराम, सुनेरी मने निरबल के बलराम। आश्रम की बालिकाएं गा रही थी तो विनोबा जी ने कहा, सुनेरी नहीं, देखी रे मैंने निर्बल के बलराम। मैंने तो अनुभव किया है कि निर्बल का बल है राम। नहीं तो इस बुढ़ापे में 80,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा विनोबा कैसे कर पाते। देखी रे मैंने निर्बल के बलराम, देखे रे मैंने निर्बल के बलराम। बाबा आप थोड़ा आराम करें तो। आराम का नाम लेने को फुर्सत कहाँ है। आप वैसे भी दही और शहद खाते हैं, इतना कम खाकर आप जिंदा कैसे रहेंगे। कम क्यों, उसके साथ मैं भरपूर आकाश खाता हूँ, उससे मेरे शरीर को भरपूर पोषण मिलता है, मन तथा बुद्धि को मिलता है। और कितना जिंदा रहना चाहिए आदमी को। ये आकाश की बात ऐसी है कि हम उनके साथ में काफ़ी समय मैंने गुजारा और हजारों भाषण उनके सुने, लेकिन हर बार ऐसा लगता था कि कुछ वो नया ही बोल रहे हैं। तो एक बार पूछा गया कि भई ये ऐसा कैसे होता है, हर बार नई बात कैसे बताते हैं। तो उन्होंने कहा, बात ऐसी है कि मुझे जब कोई एक नया विचार रखना हो, कुछ भी हो, तो मैं 5 मिनट आसमान के नीचे घूम लेता हूँ, तो आसमान में से, आकाश में से मुझे एक कोई नई आइडिया मिल जाती है, कल्पना मिल जाती है, और वो मैं रख लेता हूँ। तो जब भी मुझे कोई ज़रूरत हो, कोई भी बात करनी हो, सोचना, मैं ज़रा 10 मिनट आकाश के नीचे घूम आता हूँ और मुझे एक नई कल्पना सूझती है। हमेशा विनोबा जी के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने अपने सारे सर्टिफिकेट जला दिए थे, मगर जब पुराने डॉक्यूमेंट देखने लगे तो उनका इंटरमीडिएट ड्राइंग ग्रेड का सर्टिफिकेट निकला जेजी का। तो एक तरह का आश्चर्य हुआ कि विनोबा जी ने कभी ड्राइंग की रेगुलर पढ़ाई की थी और उसका सर्टिफिकेट है उनके पास। उससे चीज़ें क्लियर हो गई कि विनोबा जी ड्राइंग क्यों अच्छी करते थे, क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग ली। यानी यहाँ का जो ब्यूटिफिकेशन आप देख रहे हैं वो सारा उनके आइडिया है। यहाँ मूर्ति बिठाना, कहाँ बिठाना, उसका वो डिज़ाइन भी है कि शिवा शिवालय जहाँ है उसको उन्होंने केदारेश्वर नाम दिया था, कि वो केदारनाथ है कहा था। और यहाँ जो विष्णु भगवान है, यहाँ बद्रीनाथ है कहा, उन्होंने कहा था ना, सारा मेरा
दुनिया मेरे यहीं पर है, और ये कहते थे कि ऋग्वेद का मंत्र बताते थे, अयम यज्ञो भुवनस्य नाभिः, माने मैं एक यज्ञ कर रहा हूँ और ये सारा जो भुवन है यानी जो सारा विश्व है उसका मध्य बिंदु है ये, तो इसलिए यहाँ ही उनका सारा विश्व था जैसे। तो कभी कभी कंस्ट्रक्शन में भी वो बताते थे, तो घूमते घूमते यहाँ रास्ते पर आए, यहाँ ये जो है उसका नाम दिया है उन्होंने प्रज्ञापथ, तो ये भी उनके ही नाम दिए हुए सारे जो गीता में जो आए हैं, योग जो है, भक्ति है, शुद्धि है, साम्य है, सारे प्रज्ञा है, सब गीता के शब्द हैं। उनको कई लोग हमेशा कहते थे कि आप अपनी आत्मकथा लिखिए जैसे गांधी जी ने लिखी है वैसे, तो वो कहते थे कि मैं तो भुलक्कड़ हूँ, अपना नाम बताते थे वो विनोबा भुलक्कड़। महाराष्ट्र में एक प्रचलित नाम है आठवले, सरनेम होता है उसका, अर्थ है याद करना, तो वो कहते थे मैं आठवले नहीं हूँ, मैं तो विसरले माने भुलक्कड़ हूँ, तो मैं अगर आत्मकथा लिखने जाऊँगा तो वो अनात्मकथा बन जाएगी। तो ऐसे उनकी जिंदगी के बहारे बाग में कुछ फूल चुन लिए और उसको एक धागे में पिरो दिए, इतना ही एक प्रयास है अहिंसा की तलाश। यह सार्वजनिक कार्य जो मैंने उठा रखा है उसके लिए मुझ में कोई शक्ति नहीं थी, ना ही मेरी वृत्ति उसके लिए बहुत अनुकूल थी, लेकिन यह ईश्वर की आज्ञा है जो मुझे घुमा रही है। लाचार होकर मैं घूमता हूँ, घूमे बिना रहा नहीं जाता, और वह आज्ञा इतनी स्पष्ट सुनाई देती है कि जैसे कोई वाणी मैं प्रत्यक्ष सुन रहा हूँ, और वह आज्ञा उठा लेने में मुझे समाधान मिलता है। बापू का एक महान ऋण मुझ पर है और उनका भी, जिनके ग्रंथों से मेरा दिल दिमाग बना है। उन्होंने जो सेवाएं की उनके लिए उनको कौन कौन से पुरस्कार नहीं मिले, कोई भी पुरस्कार उनको मिलकर अपने आप में बड़ा हो गया। विनोबा जी को हिंदी भाषा की सेवा के लिए महात्मा गांधी पुरस्कार मिला और सामाजिक सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार मिला। इससे पूरी दुनिया के लोगों में गरीबों को जमीन देने वाले भूटानी बाबा और पद यात्रा करने वाले संत के बारे में जानने के लिए कुतूहल पैदा हुआ। इंग्लैंड के शांतिवादी डोनाल्ड ग्रूम और इसी तरह के दूसरे शांतिवादियों ने तो उनके साथ पदयात्रा भी की। इंग्लैंड के महाकवि टेनिसन के पोते हालम टेनिसन ने कुछ दिनों तक पदयात्रा में विनोबा जी के साथ भाग लेकर उन पर एक किताब भी लिखी, द सेंट ऑन द मार्च, पदयात्री संत। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा कि संत में, प्रत्येक संत में एक हल्की सी आसक्ति होती है और त्याग का थोड़ा सा अहंकार भी होता है, लेकिन विनोबा जी ने इन बातों को कहीं भी अपने पास तक नहीं फटकने दिया। उनसे जब ये पूछा जाता कि क्या आप अपने उद्देश्य में सफल हो जाएंगे, तो वे बहुत सहजता से कहा करते थे कि आग का काम जलना है, अब उस पर कोई बर्तन रखे, दाल बनाए या चावल बनाए। हालम टेनिसन ने अपनी इस पुस्तक की सारी आमदनी विनोबा जी के विचार को आगे बढ़ाने के लिए लगा दी और उन्होंने उनके विचार को आगे बढ़ाने के लिए इंग्लैंड में पदयात्रा भी की। फ्रांस के लेखक लांजा देलवास्ता ने फ्रेंच भाषा में एक किताब लिखी, गांधी से विनोबा तक एक नई पदयात्रा। ये लेखक शांतिदास के नाम से भी चर्चित और प्रसिद्ध हैं। इनका फ्रांस में एक आश्रम भी चलता है। इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास में विनोबा जी का योगदान एक नाट्यपूर्ण चमत्कार है। लेकिन यह विशिष्टता उनमें थी, जैसा कि गांधी जी में भी था, कि हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत बड़े प्रवर्तक थे, समर्थक थे, और मेरे लिहाज से उन लोगों ने, गांधी जी ने भी, लेकिन खास करके अभी मैं विनोबा जी के बारे में कहूँगा, कि जड़ समस्या को पकड़ने की कोशिश की थी। उन्होंने कुरान का अनुवाद किया था, और मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो अज्ञान बस समझते हैं कि जो भी कुरान में है
वो हिंदुओं के खिलाफ है, धर्म के खिलाफ, लेकिन यह अनुवाद करके और लेखों के जरिए उसका प्रचार करके कि इस्लाम का जो धर्म है उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसको साम्य है हिंदू दर्शन से भी, हिंदू धर्म से, ये इस तरह का मौलिक विचार लोगों के बीच में रखना, इसने हमको बाद में बहुत ही प्रभावित किया। उनका सबसे बड़ा योगदान जो मुझे याद है वो मेवात के उन मुसलमानों का पुनर्स्थापन था जो शायद देश छोड़ के चले गए होते। उस समय बिनोवा जी ने मेवात पहुँच के वहाँ की स्थिति का जायज़ा लिया और वहाँ के सारे हालात को सुधारा। ये उनका ख़ास तौर से सांप्रदायिक संभाव के लिए बहुत बड़ा कार्य था। मैं समझता हूँ इस युग के बड़े ऋषियों में हमें उनको मानना चाहिए। मैंने उनकी, उन्होंने कुरान मजीद के बारे में जो किताब लिखी वो मैंने पढ़ी। कुरान का उन्होंने जितनी गहराई से मुताला किया वो शायद बहुत कम मुसलमानों ने किया होगा। और जो बातें उनको पसंद आईं, जो बातें उनकी समझ में आईं, उसको उन्होंने निकाल कर जनता तक फैलाने की, आम जनता तक फैलाने की कोशिश की। वे बहुत बड़े ज्ञाता थे तमाम भाषाओं के। कुरान उनको बहुत अच्छी तरह से याद था, उसका भाष्य उन्होंने लिखा है। और वो ये मानते थे कि किसी धर्म की गहराई, किसी धर्म को गहराई से अध्ययन करने के बाद ही उसको समझा जा सकता है। और जितने भी धर्म हैं उनमें आपस में जो मूलभूत आधार हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं है, ये उनकी ऐसी मान्यता थी। और यही कारण है कि उन्होंने तमाम धर्मों के ग्रंथों का अध्ययन किया और उनमें एकाकार करने का प्रयत्न किया। वे जब गीता का प्रवचन करते थे तो वो उनकी उनमें विद्वता झलकती थी, लेकिन जब वो कुरान की तफसीर बयान करते थे तो उसमें भी उनका वो सारा इल्म दिखाई पड़ता था। कुरान की तफसीर उन्होंने लिखी कुरान सार के नाम से, रूहुल कुरान के नाम से। ये भी उनका एक बहुत बड़ा योगदान है जिसमें कुरान के विभिन्न भागों से उन्होंने चीज़ों को निकाला और एक साथ रख कर संसार के सामने प्रस्तुत किया। ये उनकी महानता थी और विद्वत्ता का की परिचायक भी थी। ज्ञान, कर्म और भक्ति, इन तीनों का संगम विनोबा जी के व्यक्तित्व कृतित्व में जैसा दिखाई दिया वैसा बहुत कम दिखाई देता है। गीता पर उनकी टीका, गीता के उपदेश को देश और काल के संदर्भ में प्रासंगिक बनाकर प्रस्तुत करती है, इस ढंग से प्रस्तुत करती है कि उसे जनसाधारण भी समझ सकता है। विनोबा जी ऋषि परंपरा में थे, भविष्य को चीर कर वो देख सकते थे देश को किन समस्याओं से जूझना है। भूमि समस्या को हल करने के लिए उनका भूदान का आंदोलन, उसकी पूरी परिकल्पना और फिर उसे विचार के आकाश से उतार कर ऊबड़ खाबड़ धरती पर लाकर सफल और सार्थक बनाना एक ऐसा क्रांतिकारी कदम था जिसने न भूमि समस्या के सही हल का रास्ता बताया लेकिन और विचारधाराओं को जो भी, जो हिंसा के बल पर भूमि समस्या का समाधान करना चाहती थी, उनके लिए भी एक अनुकरणीय आदर्श उदाहरण उपस्थित किया। विनोबा जी ने बड़ा विद्वान थे, उनके साथ मैं बहुत बार पदयात्रा में गए हैं, बातचीत में वो बहुत कुछ बोलेंगे। वॉकिंग यूनिवर्सिटी थे, ऐसा मैंने एक लेख लिखा, ये वॉकिंग यूनिवर्सिटी है, ये मोबाइल यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, ऐसा थे। उन्होंने कहा हमारा देश में आज़ादी आने के बाद
हम वो शिक्षा नीति को बिल्कुल उसको परिवर्तन करने का था लेकिन किया नहीं है। जैसा ब्रिटिश फ्लैग नीचे आया वैसा वो ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन को हम लोग छोड़ने का था, नया सिस्टम बनाने का था। वन्नाभा जी ये भी कहा सारे स्कूल्स कॉलेजेस विश्वविद्यालय सबको एक साल बंद करना चाहिए, बंद कर कर भारतीय विद्वान लोग मिलकर नया शिक्षा नीति बनाना चाहिए। ऐसा हम लोग किए नहीं हैं, इसलिए अभी भी 50 साल के बाद भी शिक्षा क्षेत्र में बहुत समस्या है। आपको खुश होगा जहां विनोबा जी बोधान आंदोलन के शुरू किए वो पोंचमपल्ली, बोधान पोंचमपल्ली कहते हैं हैदराबाद के पास, उधर अभी नया विश्वविद्यालय अगले सितंबर 11 में वो आने वाले हैं। सो उसमें ये नया शिक्षा नीति को नया रूप हम लोग देंगे। भारत के 5.5 लाख गाँव में से 1,60,000 गाँव ने ग्रामदान पत्र पर हस्ताक्षर किए, यानी अपनी निजी मिल्कियत स्वेच्छा से मिटाने का संकल्प किया। और इसी के साथ भूदान में 50 लाख एकड़ भूमि का दान मिला, जिसमें से करीब 14 लाख एकड़ भूमि का वितरण भी हुआ। और लोगों को जिनको ज़मीन मिली वो अपने उस ज़मीन के टुकड़े पर मेहनत करके अपनी रोटी रोजी कमाते हैं। और अकेले बिहार में ही 5 लाख परिवारों को भूदान की ज़मीन मिली। तो जब उस ज़मीन में से पैदा हुआ अनाज वो खाते हैं तो रोज़ाना बाबा विनोबा को याद करते हैं। जयप्रकाश नारायण जी ने बोधगया में जीवन दान कर दिया, कई ज़मीन विनोबा जी को मिली, लेकिन मैं नहीं समझता कि उनको इतना महान पवित्र दान मिला होगा। लेकिन ये दान के बारे में वह एक मरतबा चर्चा हुई और विनोबा जी से पूछा, अंग्रेज पत्रकार था मुझे नाम याद नहीं है, उन्हें विनोबा जी से कहा कि हम ये भूदान को लैंड गिफ्ट अंग्रेजी में कहते हैं, तो उन्होंने कहा ये गलत शब्द प्रयोग आप कर रहे हैं, मैं जिसको भूदान कहता हूँ उसकी व्याख्या अलग है। और उन्होंने संस्कृत व्याख्या बताई, उन्होंने कहा दानम सविभागा, दान मीन्स इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो उनकी व्याख्या ये नहीं थी उदार अंतकरण से किसी ने जमीन दे दिए ये दान दे दिया इस प्रकार का दान का, उनके पीछे एक समानता की भावना थी। तो उन्होंने कहा दानम सविभागा, इट इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। उनके विचारों के बारे में एक मरतबा आचार्य नरेंद्र जी के साथ हमारी चर्चा हुई, मैंने कहा आप महान मार्क्सवादी तथा जनतंत्र जनतांत्रिक समाजवादी है, विनोबा की विचार हम लोगों ने सुने हैं, उनके परिवर्तनवादी कार्यक्रम के बारे में भूदान आंदोलन के बारे में आपकी क्या राय। तो उन्होंने कहा कि एक समाजवादी की हैसियत से मैं ज़रूर चाहता हूँ कि ज़मीन सुधार लैंड रिफॉर्म्स हो जाए, प्रगतिशील रिफॉर्म्स हो जाए। लेकिन आचार्य जी ने एक समाजवादी होते हुए भी एक मार्क्सवादी होते हुए भी उन्होंने कहा कि सिर्फ कानून के जरिए ज़मीन सुधार नहीं हो सकता है, ये ज़मीन सुधारने के लिए सिर्फ लोगों के दिमाग को छूना नहीं है उनके दिल को छूना पड़ेगा। तो भूदान आंदोलन जैसे सफल होता जा रहेगा इसी तरह से उन्होंने कहा कि विनोबा जी हमारे समाजवादियों के लिए रेडिकल लैंड रिफॉर्म के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार करेंगे। और इस सीमित तक तो मैं समझता हूँ कि जरूर हम लोगों ने उसका समर्थन देना चाहिए। विनोबा जी के कहने पर कि लोग रचनात्मक कार्यों में रुचि लें और जनमानस की सेवा करें, इसके लिए कितनी ही संस्थाएं देश भर में फैली हैं और मौन सेवा साधना में लगी जी जान से काम कर रही हैं। जेएनयू में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं विनोबा जी के पास गई। बाबा ने मुझे उस वक्त कहा कि तुम महिलाओं के अंदर चेतना जगाना और एक महिला चेतना केंद्र खोलना। मैं इसी शब्द और उनके इसी वचन को लेकर दिल्ली आई और दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में मैंने एक संस्था बनाई महिला चेतना केंद्र के नाम से। उनके पढ़ने का स्वास्थ्य का ये इस ख्याल को रखते हुए योजनाएं बनाई। और जब उनका पढ़ाई का ये पूरा हुआ तो कैसे वो अपना आत्मविश्वास लेकर अपने जीवन को अच्छा सफल बनाए तो उनके लिए काम की खोज की।
बाबा विनोबा ने जिन गरीबों के लिए भूदान मांगा उन्हीं में से मैं एक हूँ। लेकिन मैंने भूदान की जमीन नहीं ली। बरसों तक बिहार में भूदान किसानों के बीच काम करता रहा। कभी कभी जिन भूदान किसानों को भूदान की जमीन मिली है सामाजिक असामाजिक तत्वों द्वारा बेदखल करने की कोशिश करने पर उन गरीब भूदान किसानों को न्याय दिलाने के लिए अहिंसक आंदोलन अहिंसक लड़ाई लड़कर उन गरीब किसानों को न्याय दिलाने का काम बराबर करते रहे। सर्वोदय आश्रम एक संस्था जो हरदोई ज़िले में हम लोगों ने बनाई है उसकी मैं एक सेविका हूँ और इसके ज़रिए हम लोगों ने ऊसर बंजर जमीन को उपयोगी बनाकर किसानों की ज़मीन को उपयोगी बनाने का हम लोगों ने काम किया है। सर्वोदय आश्रम के जरिए हम लोग और भी दूसरे काम कर रहे हैं। बाबा को देखने का अवसर मुझे मिला था और उनके पवनार में ही दर्शन हमने किए थे। उसके बाद हमने विनोबा सेवा आश्रम उन्हीं के नाम से संस्था बनाई और उसका काम अपने साथियों के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहानपुर में काम कर रहे हैं। विशेष करके मैं तथा हमारे साथी विनोबा भावे जी की भावना से काफ़ी प्रभावित हुए और प्रभावित होकर के आज हम उनके बताए हुए रास्ते के ऊपर आज हम काम कर रहे हैं। हमारे पूरे प्रदेश में आज मजदूरों के उत्थान का काम, हरिजनों को उत्थान का काम, गरीब जो लोग हैं जो गांव में रहते हैं उनको भूमि दिलवाने का काम, उनको रोजगार दिलवाने का काम आज हम लोग पूरे प्रदेश में हरिजन सेवक संघ के माध्यम से आज हम कर रहे हैं। हम लोगों ने मध्य प्रदेश में बाबा के शताब्दी जन्म वर्ष के लिए समिति बनाई और हमारा ये प्रयास रहा कि बाबा का जो संदेश ग्राम स्वराज का था हम पंचायती राज के माध्यम से उसको पूरा करें। बापू का जो सपना था उसे हम पूरा करें और उसी के जन जागरण में हम लोगों ने जिस रास्ते से बाबा गुजरे थे उसी रास्ते की पदयात्रा हम लोगों ने उसकी व्यवस्था की और जन जन में बाबा के संदेश को पहुंचाने का प्रयास किया। चीन में भूमि के व्यक्तिगत स्वामित्व को मिटाने के लिए हिंसा का रास्ता अपनाया गया और कहा जाता है कि 2 करोड़ लोगों का कत्ल हुआ, फिर भी वो काम आसान नहीं मालूम हुआ और वही काम भारत में अहिंसा के तरीके से आसानी से चल रहा था ग्रामदान के द्वारा। गांधी की अधूरी क्रांति को पूरी करने का प्रयत्न, वो भी हरक्यूलियन प्रयत्न, क्योंकि जितना बड़ा काम 30 साल तक उन्होंने इस देश में घूम घूम कर किया उतना तो जैसा कि आंकड़े से ही बताया जा सकता है हमारी सरकारें भी नहीं कर पाई हैं। उन्होंने साबित कर दिया बस कि ये होता है, अहिंसक मार्ग से ये समस्या भी हल हो सकती है। 7 जून 1970 को सूक्ष्मतर कर्म योग आरंभ हुआ। अब पवनार के ब्रह्म विद्या मंदिर आश्रम में ही रहना तय हुआ। उनका स्वास्थ्य गिर रहा था, 19 साल पहले ये जगह छोड़ी थी और निरंतर पदयात्रा चलती रही, लेकिन अब यही रहना तय हुआ। 75 साल पूरे होने पर उनका अमृत महोत्सव मनाया गया और 7 अक्टूबर को फिर घोषणा हुई क्षेत्र संन्यास की, यानी अब विनोबा जी पवनार आश्रम के बाहर कदम नहीं रखेंगे। आपने देखा कि ध्यान, धर्म, भक्ति तथा कर्म का अनोखा मिश्रण विनोबा जी के जीवन में दिखाई पड़ता है। उन्होंने जीवन पर्यंत नए नए प्रयोग किए। आपने ये भी देखा कि पवनार आश्रम की स्थापना किस प्रकार हुई। स्त्री शक्ति के जागरण के लिए ब्रह्म विद्या मंदिर किस प्रकार बना।
गांधी जी की अधूरी क्रांति को पूरा करने के लिए, जो कि आर्थिक तथा सामाजिक क्रांति थी, विनोबा जी पूरे देश में घूमते रहे तथा ग्रामदान तथा भूदान के द्वारा उसको पूरा करने का प्रयत्न किया। ये बहुत बड़ा काम था और इस काम में विनोबा जी का स्वास्थ्य गिरा। पवनार वापस आने के बाद विनोबा जी ने क्षेत्र संन्यास की घोषणा की, अर्थात अब वे इस आश्रम से बाहर नहीं जाएंगे। उनका मरण किस प्रकार महोत्सव बना अब आप देखेंगे। मेरे विचार से तो गीता का वो श्लोक कि वासांस जीर्णानि यथा विहाय, जिसका अनुवाद उर्दू में पंडित ब्रजनारायण चकबस्त ने इस प्रकार किया है, सिधारी मंजिले हस्ती से किस बे एतनाई से, तने खाकी को शायद रूह ने गर्दे सफर जाना। अर्थात आत्मा शरीर को छोड़कर इस प्रकार चली गई जैसे यात्रा के बाद आदमी गर्द को झटक कर चला जाता है।